दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की जो बोर्ड परीक्षा है, आगामी बोर्ड परीक्षा 2021 में जो पेपर होंगे, उन परीक्षाओं में आप 90% प्लस स्कोर्स कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर हम आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करेंगे, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी के साथ, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा डेडिकेशन देना होगा और आप 90% प्लस स्कोर कर पाओगे बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2014 में मैंने ट्वेल्थ का एग्ज़ामिनेशन दिया था और उस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में मैंने स्कोर किए थे 88.6% नंबर। अब ये परसेंटेज जो है ये 90% से थोड़ा कम है, लेकिन मैंने कुछ गलतियां की थी, मेरी जो मिस्टेक्स थी, मैं उन मिस्टेक्स को आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जो आपके 88.6 रह जाते हैं या 89% रह जाते हैं, आप पूरा 90% क्रॉस कर जाओगे। कुछ गलतियां थी, कुछ मिस्टेक्स थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप वो ना करो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन से हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको अपने सभी विषयों के सिलेबस देखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 1, जो कि है सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से देखिए दोस्तों। कोविड-19 के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा में सभी, सीबीएसई में भी हुआ है और यूपी बोर्ड में भी हुआ है, कि सभी विषयों का जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है, जिसके चलते आपको अब कुछ कम टॉपिक पढ़ने होंगे। तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने निकल गए हैं जहां पर पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो 30% सिलेबस आपका घटाया गया है। अब बचा आपका 70% सिलेबस। ये सिलेबस आप upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन सिलेबस में जो आपके सभी विषयों के जो टॉपिक्स हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी के, तो उनको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या हमारे सिलेबस में है और क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से देखें और जानें कि हमको क्या पढ़ना है। दूसरी बात आती है कि सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 10th में होंगे तो आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप 12th में होंगे तो आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमें सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। मेरे साथ जो गड़बड़ हुई थी वो ये थी कि हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं। मेरे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, या किसी के पास अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है तो वो इन 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि ये विषय थोड़े कठिन पड़ते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आप थोड़ा अतिरिक्त समय दें, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को आप बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट है, सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना, ये ज़्यादातर बात कही गई है हिंदी और इंग्लिश के लिए। इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप समय दीजिए, प्रॉपर समय दीजिए। आप इसमें उन विषयों से थोड़ा कम समय दीजिए, लेकिन इनको बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि आप इन सब्जेक्ट्स को भूल जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट्स का। तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि नोट्स बनाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स के जो बेसिक चैप्टर हैं, उन सब्जेक्ट्स को के नोट्स आपको शुरू से बनाते हुए चलना चाहिए। जैसे अगर आप फिज़िक्स के नोट्स बना रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप नोट्स बनाते हुए चलिए। जब आप उनके नोट्स खुद से बनाएंगे, खुद की हैंडराइटिंग में बनाएंगे, तो वो नोट्स एग्ज़ाम पीरियड में, जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे, तो वो नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आप दूसरे नोट्स के भरोसे मत रहिए कि हम किसी यूट्यूब चैनल से ख़रीद लेंगे या किसी दूसरे के नोट्स हम परचेज़ कर लेंगे, तो वो चीज़ अलग होती है। जो नोट्स हम खुद से बनाते हैं उन नोट्स का महत्व ही अलग होता है। तो हर सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स बनाने हैं, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि उन नोट्स का आपको रिवीजन स्टार्ट करना है एग्ज़ाम से कम 3 मंथ्स पहले, यानी कि 3 महीने पहले आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। नहीं 3 तो कम से कम 2.5 या 2 महीने
कि जब बचे एग्ज़ाम के तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवीजन। तो रिवीजन में मैंने बताया है कि रिवीजन आपको किस तरह से करना है। बचे हुए एग्ज़ाम से 2 या 2.5 महीने पहले आपको केवल और केवल रिवीजन को टाइम देना है। सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखिए, फिर आप मदद लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं पिछले सालों के, उनसे मदद लीजिए। अब आप उन नोट्स में छटाई भी कर सकते हैं कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमारे बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आते हैं। 10th और 12th में ढेरों ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि लगभग हर साल ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आप फिर उन प्रश्नों के रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर आता है आंसर राइटिंग का अभ्यास। रिवीजन का अर्थ ये है कि ये नहीं कि आप नोट्स को बस पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ ही रहे हैं। आपको नोट्स को पढ़ना नहीं है, आपको उनके आंसर राइटिंग का अभ्यास भी करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि जब तक आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप पेपर में अच्छे प्रश्न, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे 10th में हो, चाहे आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं करेंगे, अच्छी तरह से उनको हल नहीं करेंगे, कॉपी पर आप एग्जामिनर को क्या दिखा रहे हैं, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसकी ज़्यादा अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो आप बहुत ही अच्छे, यानी कि 90% प्लस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के युग में, बहुत धूमधाम के साथ आप ये कर लेंगे। अब बात आती है टाइम टेबल की। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है जो कि है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने 88.6% मार्क्स लाए थे तो मैं कुछ नहीं पढ़ता था, मैं बस 4 से 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन डेली पढ़ता था। अब अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट 90 के पार ही जाने वाला है। आप 92 से लेकर 95% मार्क्स तक प्राप्त कर सकते हैं अगर आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ेंगे। 5 घंटे भी आप डेली पढ़ सकते हैं, कम पढ़िए बट डेली पढ़िए। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन आप केवल 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सभी का अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग सुबह अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग शाम को अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ लोग रात में अच्छा पढ़ते हैं। तो जब भी पढ़ें मन से पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे हमारे जो 90 प्लस आपको स्कोर दिलाएंगे आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।